क्लास नाइन्थ चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज जो हम टॉपिक करेंगे वो क्या करेंगे, रियल नंबर को किसी लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन प्रोग्रेसिव सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से। मेथड का नाम क्या है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के मेथड से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो पॉइंट क्या है जिसे अब हमें रिप्रेजेंट करना है, सपोज हम रिप्रेजेंट करते हैं 3.765 को, 3.765 इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले वाला नंबर पकड़ लो 3, तो नंबर लाइन पे 3 को रिप्रेजेंट कर दो। एक ऐसे नंबर लाइन बनाओ, ये सपोज 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये जो 3 है इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इससे नेक्स्ट नंबर भी ले लो 4, और इस तरह से एरो डाल के आप एक और नंबर लाइन बनाओ जिसपे आपने क्या किया 3 और 4 के बीच के डिस्टेंस को मैग्नीफाई कर दिया। तो ये हो जाएगा 3.1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये आपके पास हो गया 4। हमने 3 और 4 के बीच के डिस्टेंस को क्या कर दिया, मैग्नीफाई। अब दूसरा नंबर क्या है, पहला नंबर तो था 3, दो नंबरों को मिलाएंगे तो 3.7, तो ये 3.1 है, ये 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, ये 3.7। और इससे जैसे 3 से अगला हमने 4 लिया था नंबर लाइन पे, 3.7 से नेक्स्ट है 3.8, तो यहां पे ये 3.8 भी ले लो। ये 3 और 4 लिया, फिर 3.7 और 3.8, अब इन दोनों को मैग्नीफाई करना है। तो ऐसे ये आपका 3.8 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3.8 ये 0 है, जब हम इन दोनों को मैग्नीफाई करेंगे, 3.7 है तो ये 3.70 है, 3.71, 3.72 और इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 3.80। हमें इसमें क्या ढूंढना है, तीसरा नंबर 3.76, तो 2, 3, 4, 5, 6 ये आपके पास 3.76 और ये नेक्स्ट हो जाएगा 3.77। अब इन दोनों नंबर को हम मैग्नीफाई कर देंगे, ये नंबर आपके पास 3.760, फिर उसके बाद 3.761, 3.762, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो जाएगा 3.770, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766। हमें चाहिए क्या, अब 3.765 चाहिए, तो ये हमारे पास 3.765, ये ओरिजिनल नंबर हमने रिप्रेजेंट कर दिया 3.765 को। क्या किया हमने, दोबारा देखो, इसी को कहते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सबसे पहले फर्स्ट डिजिट ली वो है 3, तो 3 और 4, 3 और उससे नेक्स्ट नंबर 4, इन दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया, फिर इनके बीच का जो छोटा सा गैप इसे मैग्नीफाई करके बड़ा कर दिया, और इसमें बाद में दो नंबर्स को मिला के क्या बना, 3.7 और 3.8, तो 3 और 4 के बीच में क्या होगा, 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे नंबर्स होंगे, 3.7 और 8 को मार्क कर दिया, फिर इन्हें मैग्नीफाई कर दिया, 3.7 होगा 3.70 और 3.8 होगा 3.80, इनके बीच के 10 नंबर। तो अब 3.76, तीन नंबर मिला के 3.76 और 3.77, इन दोनों को निशान लगाया, इनको मैग्नीफाई कर दिया और फाइनल आंसर इनके बीच में हमारा आ गया है। ये एक ही क्वेश्चन सफिशियंट है, इसी की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, हर पार्ट इसी तरह से होगा, इसमें कोई अलग से मेथड या कुछ और नहीं है, क्लियर है। वैसे ये तुम्हारे सिलेबस से पहले ही कट चुका है, तो जनरली एग्जाम में आप अपने टीचर से कंफर्म करके एग्जाम के लिए तैयारी करना, अदरवाइज सीखने के लिए जरूरी है ये चीजें। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन 4 आपके पास है,
रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसका प्रोसीजर देखना बेटा, रूट लगा हुआ बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, ये रूट 2 या रूट 3 की तरह नहीं है, या अभी जो आपने किया था जैसे 3.756 इन दोनों क्वेश्चनों में से किसी की भी तरह ये नहीं है, बिल्कुल अलग मेथड है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या करोगे, 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये आपने ए और बी आपने ड्रॉ कर ली, कितने सेंटीमीटर 9.3। फिर आगे इस लाइन को बढ़ा दोगे सी तक, और बी सी कितने सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर तक, ये 9.3 सेंटीमीटर तक। अब पूरी ए सी कितनी हो जाएगी, 10.3। ए सी का मिड पॉइंट निकाल लोगे, मिड पॉइंट कैसे, ए से ऊपर आर्क नीचे आर्क, सी से भी ऊपर और नीचे आर्क, इन्हें ज्वाइन कर दोगे। तो इस तरह से तुम्हें मिड पॉइंट निकालना आना चाहिए, आपने कंस्ट्रक्शन में छोटी क्लासेस में किया हुआ। तो ये ओ आ गया, ओ किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। ओ को सेंटर लो और ओ ए को रेडियस ले लो और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो, ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया, समझ गए होगे, पॉइंट यहां रखा, पेंसिल यहां रखी और घुमा दिया, ये रेडियस ले लिया हमने ओ ए को, और ओ को हमने क्या ले लिया, सेंटर। अब ये जो पॉइंट बी है, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये भी तुमने कंस्ट्रक्शंस में सीखा हुआ है कि लाइन पे एक पॉइंट है तो उससे परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट लिया और एक आर्क कैसे लगा दी, इस पॉइंट से ऊपर आर्क लगाई, सेम रेडियस से इस पॉइंट से ऊपर आर्क लगाई, इन्हें ज्वाइन कर लेंगे, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। कहां तक ले जानी है लाइन, सेमी सर्कल तक जो टच करे, ये पॉइंट हो गया आपके पास डी। बी सी को आगे बढ़ा दो, अब बी को सेंटर और बी डी को रेडियस लेके पॉइंटर यहां और पेंसिल यहां और एक आर्क ऐसे लगा दो, ये पॉइंट आपका ई है, और यही पॉइंट आपका रिप्रेजेंट करता है रूट 9.3। यही पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, रूट 9.3 को रिप्रेजेंट। आसान है, आया समझ में। आज जो अब हम टॉपिक करेंगे आरडी से करेंगे, ठीक है, तो क्लास 9th आरडी शर्मा, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। आपने ये पहली क्लासेस में पढ़ा, 7th में पढ़ा कि a टू द पावर n मींस a n टाइम्स, 2 टू द पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 टाइम, 3 टाइम्स आंसर आ जाता है 2, 3 बाय 2, न्यूमरेटर भी 3 टाइम, डिनोमिनेटर भी 3 टाइम्स, ये मिसप्रिंट है, 3 यहाँ पे 2 आएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27, 2 2 जा 4 2 जा 8। इसी तरह से माइनस 3/4 टू द पावर 4 मीन्स माइनस 3/4 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस जो नंबर है उसकी पावर अगर कभी इवन होती है तो आंसर पॉजिटिव आता है, अगर पावर ओड है तो आंसर नेगेटिव आएगा। न्यूमरेटर को ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख दो, डिनोमिनेटर को नीचे। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर 1 आ जाएगा, कोई भी नंबर है, चाहे वो 3/0, 5/0, 3/4/0, एनीथिंग, पावर 0 मीन्स 1। अगर 5 टू द पावर माइनस में है, ये जैसे ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 5 पावर -3, पावर में अगर माइनस है तो समझ लो कि माइनस को अगर छोड़ दे तो क्या बचता है, 5 टू द पावर 3, वो 1 के अपॉन में आ जाएगा, मीन्स 1/5 टू द पावर 3। तो जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर में लिखने का मेथड है कि पावर में माइनस लगा दो, तो 5 टू द पावर -3 मीन्स 1/5 टू द पावर 3, 1/5 × 5 × 5 × 5 = 25, 125, 1/125. 3/2 पावर -3 है, तो इसका मीनिंग क्या है, आप इसे या तो 1 के अपॉन में लिख लो, या तो आप इसे 1 के अपॉन में लिख लो, या अंदर ही रेसिप्रोकल कर दो, 2 ऊपर और 3 नीचे, तो 2 ऊपर करेंगे और 3 नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पावर 3, तो 2 टू द पावर 3 मीन्स 8, 3 टू द पावर 3 यानी 27, ये आपका आंसर आ गया। 1/5 पावर -2, तो रेसिप्रोकल होके 5 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा 25। अगर अंदर रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में और पावर में माइनस है तो अंदर वाले नंबर को आप रेसिप्रोकल पलट सकते हो, ठीक है। लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, अगर बेस सेम है, सपोज a^m × a^n, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर, तो पावर ऐड हो जाएंगी, m+n,
बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये एक फर्स्ट रूल है। जैसे 5 to the power 4, 5 to the power 3 मल्टीप्लाई है तो 4 + 3 आंसर हो जाएगा 7। यहां भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 5 + 2 आंसर हो जाएगा 7। अगर डिवाइड हो रहा है नंबर, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी, a^m / a^n, तो m - n पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, a पावर m है, a पावर n है, तो ऊपर m टाइम्स नीचे n टाइम्स, नीचे वाले ऊपर में ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे और m - n बचेगा। थर्ड लॉ क्या कहता है, अगर पावर की भी पावर है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पावर की भी पावर, जैसे एग्जांपल 3 to the power 2, इसकी भी पावर 5 है, तो 5 × 2 = 10, 3 power 10 हो जाएगा। 2/3 to the power 4 whole to the power 3, तो 4 × 3 = 12, 2/3 to the power 12। पावर की भी पावर है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर की भी पावर है तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। फोर्थ लो देखो, अगर ब्रैकेट है और बाहर पावर है, ब्रैकेट में दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बाहर पावर है, तो पावर अंदर वाले दोनों नंबर को मिलेगी, a^n / b^n। इसी तरह से अगर डिवाइड हो रहा है और ऊपर पावर है, तो ये पावर भी दोनों नंबरों को मिलेगी, लेकिन प्लस और माइनस है ब्रैकेट के अंदर, ऊपर पावर है, तो वो पावर दोनों नंबर्स को नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन देखो बेटा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस 4/2 = 6, तो ये एग्जांपल फर्स्ट का आंसर है 5 to the power 6। इसने कहा इवेल्युएट मतलब वैल्यू फाइंड आउट करो, तो 5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 6 टाइम, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 125, 5 × 6 = 625, 5 × 625 को 5 से 3125, 3125 को फिर 5 से करेंगे तो 15625। इसी तरह से ये देखो सेकंड पार्ट, 5 to the power 8 / 5 to the power 3, तो डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएंगी, 8 - 3 = 5, 5 to the power 5, तो 5 to the power 5 का आंसर था 3125। पावर की भी पावर है तो 3 × 6, 3 to the power 6 आंसर आ जाएगा 729। 11/12 पावर 3 है तो न्यूमरेटर की को भी मिलेगी और डिनोमिनेटर को भी, न्यूमरेटर में 11 to the power 3, 12 to the power 3, डिनोमिनेटर में 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1331, 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1728। 3/4 पावर -3, माइनस है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल होके हो जाएगा 4/3 - 3, अब ये प्लस हो गया, तो 4/3 3 टाइम्स, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। यहां तक आए बेटा ये क्वेश्चन समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, 2/11 पावर 4, 11/3 पावर 2, 3/2 पावर 3, क्या करेंगे? मैंने बताया था अगर अंदर डिवाइड है, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो पावर दोनों को मिलेगी, तो 2, ये पावर 4 2 को भी मिलेगी और 11 को भी, फिर ये 2 11 को और 3 को दोनों को मिलेगी, ये 3 3 और 2 दोनों को मिलेगी। अब एक नंबर ढूंढ लेते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर 2 है, इसकी पावर है 4, और कहीं 2 लिखा हुआ न्यूमरेटर में तो नहीं है, डिनोमिनेटर में है, तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे आप लिख सकते हो, 2 to the power 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना सारा, तो आगे इधर उधर कर सकते हो, 11/2 / 11/4, 3/3 / 3/2, एडजस्ट कर लिया मैंने सेम नंबर के नीचे। अब यहां देखो, ऊपर नंबर, ऊपर पावर ज्यादा है नीचे कम है, तो ऊपर वाला नंबर लिखो और बड़ी पावर में से छोटी पावर माइनस कर दो। यहां 11 में नीचे पावर ज्यादा है, तो 1/ नीचे वाला नंबर लिखो और बड़ी पावर में से छोटी पावर माइनस कर दो।
यहां ऊपर ज्यादा है तो 3 बड़ी पावर में से छोटी पावर माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 2 पावर 1, 1/11 पावर 2, 3 पावर 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर 2, नीचे 1/11 स्क्वायर 121 और 3, ऊपर 3 × 1 = 6/121 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये सेकंड पार्ट देखो। अब मुझे एक डाउट, 1/2 पावर 5 − 2/3 पावर 4, 3/5 पावर −1। तो रूल, 1 की भी पावर 5 2 पावर 5 1 पावर 5 2 पावर 5, −2 पावर 4 3 पावर 4, और पहले ही से क्या करेंगे, पावर माइनस है तो अंदर वाले को रेसिप्रोकल करेंगे, 5/3 पावर 1, 1 पावर 5 1 ही रहेगा, अपॉन में 2 पावर 5, माइनस है पावर इवन है तो माइनस साइन प्लस हो जाएगा। हमने बात की थी ना, अगर माइनस अंदर है, पावर क्या है, पावर इवन है, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, −1 पावर 4 अलग कर दो, 2 पावर 4 अलग कर दो, ये पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई, upon 3 पावर 4। अब यहां तो 5 पावर 1 ही है और 3 पावर भी 1 है। अब सेम नंबर को एक साथ लिख लेते, 2 पावर 4 2 पावर 5 एक साथ लिख लेते, 4/2 पावर 5, −1 पावर 4 1 ही हो जाएगा, तो इसे तो भूल ही जाओ, ऊपर सिर्फ एक 5 बचता है, नीचे 3 पावर 4 + 1, ऊपर पावर कम है नीचे ज्यादा है, तो 1/2 पावर 5 − 4 मल्टीप्लाई 5/3 पावर 5। इसे अगर सिंप्लीफाई करना है, इवेल्युएट यानी इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये 1/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 5/3 पावर 5। 3 की पावर 5 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कितना होता है देखो, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 81, 3 × 243, तो हो जाएगा 243। 5 × 1 = 5 और नीचे 2 से मल्टीप्लाई तो 486, ये आपका आंसर है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा। 2 पावर 55 × 2 पावर 60 −2 पावर 97 × 2 पावर 18। तो ये माइनस, ये पावर माइनस के साइन को क्रॉस नहीं कर सकती बेटा, इधर का पोर्शन आपको अलग सोल्व करना पड़ेगा, इधर वाला पोर्शन अलग सोल्व करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही पावर कंबाइंड प्लस या माइनस हो सकती है, तो इधर हो जाएगा 2 पावर 55 + 60 − 2 पावर 97 + 18, 2 पावर 115 − 2 पावर 115। सेम नंबर आपस में माइनस हो गए तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, फोर्थ करते हैं। 2/3 ये पावर 2 × 2/5 − 3 × 3/5 = 2। तो पहले माइनस इसे रेसिप्रोकल कर लेंगे, 2/2 पावर 2 / 3 पावर 2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/2 पावर 3 हो जाएगा, तो 5 की पावर 3 2 पावर 3, 3/2 / 5/2। फिर सेम नंबर एडजस्ट कर लेते, 2/2 / 2/3 5/3 / 5/2 3/2 / 3/2 ये तो कैंसिल होके 1 आ गया, या तो इसे कैंसिल करके 1 कर दो, या 3/2 − 2 = 3/0 1 वैसे कर दो। यहां न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा है तो 1/2 3 − 2 हो जाएगा, ये ऊपर वाला बड़ा है तो 5/3 − 2 हो गया, और इसे 3/2 − 2 लिख के मैथमेटिकल तरीके से शो कर देते हैं। चलो,
तो ये हो जाएगा 1/2 पावर 1, 5 की पावर 1 यानी 3 पावर 0, 1/2 × 5 × 1 तो ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 2, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये एक और रूल है, इसे समझने की कोशिश करना। जैसे a^p/q है तो मैं इसे लिख सकता हूं p/q को p अंदर और 1/q बाहर, क्योंकि p/q को मैं लिख सकता हूं p × 1/q। तो p अंदर और 1/q बाहर, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ये भी आपका एक जो है आइडेंटिटी की तरह यूज होगा, टूल की तरह। देखो बेटा 64 पावर 1/3, तो अंदर जब कोई बड़ा नंबर हो तो उसके प्राइम फैक्टर करके उसे पावर की फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो 64 यहां लिखा है 64 की जगह 4/3। अब अगर आपको याद है कि 64 4/3 होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करोगे, आप क्या करोगे 64 के प्राइम फैक्टर करो। कैसे करेंगे 64 के प्राइम फैक्टर्स? ये 64 है, टाइम खत्म होने वाला है। 2 3 2 2 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1, तो ये हो जाएगा 2/6। इसके पावर में क्या था? इसके पावर में था 1/3 पावर 1/3, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/6 × 1/3, 3 1 जा 3 2 जा 2 पावर 2, 2 पावर 2 होता 4, आपका आंसर है।